चलिए लखनऊ से बड़ी खबर है। माफिया थी एमएस से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दी, अतीक अहमद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उमेश पाल शूट आउट से पहले अतीक से मिली थी एक महिला, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। साबरमती जेल में अतीक अहमद से इस महिला ने मुलाकात की थी। अतीक अशरफ हत्याकांड में शबाना नाम के किरदार की चर्चा है और शबाना माफिया अतीक अहमद के काफी ज्यादा करीब थी, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। और पहले भी कई बार अतीक से यह महिला मिल चुकी है। माफिया अतीक अहमद से देवरिया जेल में शबाना ने मुलाकात की थी। अतीक के परिवार को नहीं है शबाना नाम की कोई भी महिला अतीक के परिवार में, लेकिन यह शबाना नाम की महिला कौन थी और इसका क्या किरदार था, क्या अहम भूमिका थी, इसके बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। माफिया अतीक का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन पुलिस लगातार अतीक से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। और इस बीच पुलिस की रडार पर अब एक और महिला आई है। आशंका है कि अतीक के काले कारनामों और उमेश पाल हत्याकांड में इस महिला का दखल रहा है। यह महिला अतीक के परिवार की नहीं है, लेकिन परिवार की जानकारी के बिना अतीक से मिलती थी और यहां तक कि जिन जेलों में अतीक रहा वहां भी मिलने जाती थी। इस महिला को लेकर शाइस्ता की अतीक से कहा सुनी भी हुई थी, लेकिन अतीक ने इस महिला से मिलना नहीं छोड़ा था। और साबरमती जेल में अतीक से मिलने वालों की लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की जांच में फिलहाल पुलिस को इस महिला के बारे में जानकारी मिली है। और साबरमती जेल से अतीक के मैसेज इस महिला ने ही कई जगहों पर पहुंचाए थे। पुलिस इस महिला की कुंडली खंगाल रही है और उमेश पाल के साथ ही अतीक अशरफ की हत्या के मामले में भी इस महिला के रोल की जांच की जा रही है। जुड़ी हुई एक महिला अब पुलिस के रडार पर है। ये रहस्य में महिला अतीक अहमद से लगातार मुलाकातें करती थी। जांच में पुलिस को ये भी सामने आया, पुलिस की जांच में, कि इस महिला के चलते अतीक अहमद और शाइस्ता के बीच में कहा सुनी हुई थी। विरोध करने के बावजूद भी बिना परिवार की जानकारी के ये महिला अतीक अहमद से उन तमाम जेलों में भी मिलने जाती थी जहां अतीक अहमद बंद रहता था। साबरमती जेल में भी कई बार यह महिला अतीक अहमद से मिलने गई और खास तौर पे उमेश पाल की हत्या से पहले। ऐसी आशंका है कि अतीक अहमद के उमेश पाल की हत्या को लेकर मैसेज इधर से उधर करने में इस महिला का रोल रहा है। सीधे तौर पर पुलिस के पास जो अतीक अहमद और इस महिला की जो फोन कॉल रिकॉर्ड है वो मौजूद है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उमेश पाल की हत्या के अलावा अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में इस महिला का कितना दखल है। ये रहस्य में महिला पुलिस के रडार पर है और उसकी कुंडली यूपी पुलिस खंगाल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ रमानुल्लाह खान, प्रयागराज। प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल में माफिया अतीक के बेटे ने पढ़ाई की और इस दौरान स्कूल की कैंटीन से लेकर प्ले ग्राउंड तक अतीक के बेटे के ड्रॉप के किस्से फैले हुए थे। खुद अतीक 20 साल पहले यहां बिना बुलाए चीफ गेस्ट बनकर पहुंचा था और बच्चों को इनाम भी दिए थे और कॉलेज प्रशासन को इसकी खबर दूसरे दिन लगी थी। हालांकि ये जो स्कूल है ये बहुत ज्यादा सख्त नियम कायदों वाला स्कूल है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्पात अतीक अहमद के बच्चे नहीं मचा पाते थे, लेकिन अतीक अहमद भी अपनी दबंगई में पीछे नहीं हटता था। स्कूल में एक बार वो पेरेंट्स मीटिंग में आया और स्टेज पर चढ़कर उसने चीफ गेस्ट बनकर बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। मतलब उसे चीफ गेस्ट नहीं बनाकर बुलाया गया था, लेकिन अपनी दबंगई के चलते वो स्कूल में चीफ गेस्ट खुद ही जाकर बन गया। अगले दिन जब अखबार में ये तस्वीरें छपी तब स्कूल प्रशासन ने इसके बारे में सवाल जवाब भी जरूर किए थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीक अहमद लगातार स्कूल का जो प्रशासन है उसके ऊपर कई बच्चों के दाखिले का दबाव भी डाला करता था, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो इंटरव्यू के आधार पर होता है, मेरिट के आधार पर होता है, लेकिन अतीक अहमद अपने रसूख का इस्तेमाल स्कूल के प्रशासन पर भी किया करता था। ऐसा किस्सा बताते हुए पूर्व जो प्रिंसिपल है उन्होंने बताया कि अतीक अहमद के दो बेटों का उसने एडमिशन का अपना फॉर्म ही नहीं भरा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको किसी को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है, किसी को एक को पेरेंट्स को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है। तब उसमें कुछ हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, जैसे डीएम के अगर बच्चे पढ़ते वो भी आते हैं, कमिश्नर के बच्चे भी थे मेरे जमाने में, कमिश्नर के बच्चे भी थे। तो जो भी पेरेंट उसमें एनुअल डे में आता है बड़े गणमान्य लोग, उनको बुला के प्राइज दिलाया जाता है। हर एक कार्यक्रम हो गया, अभी अगले साल आएगा, मतलब चीफ गेस्ट एक ही रहता है और बाकी जो लोग रहते हैं वो आ जाते हैं, वो पेरेंट्स की तरह पेरेंट्स हैं। तो ये स्टेज पर आ गए थे? हाँ, स्टेज पर नहीं, इन्होंने गिफ्ट दे, प्राइज, हाँ उनको बुलाया था
एक प्राइज देने के लिए, वो प्राइज देके चले गए अखबार में फोटो। हाँ, दूसरे दिन आया, तब तक हम लोग रियलाइज भी नहीं किए कि ये इतना गंभीर मामला है। सीधे तौर पर अतीक अहमद सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि और दूसरे बच्चों के दाखिले का भी दबाव स्कूल प्रशासन पर बनाया करता था। सीधे तौर पर माफिया अतीक अहमद का जो बेटा असद है वो पढ़ाई में बेहद ज्यादा कमजोर था और वो पहले दिन से ही डॉन बनना चाहता था, अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और स्कूल के ऊपर भी अतीक अहमद जैसा माफिया दबाव बनाने से नहीं चूकता था। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ रुमानुल्लाह खान। सेंट जोसेफ स्कूल में असद और उसके सात दोस्तों का ग्रुप पूरे स्कूल में मशहूर था। यह ग्रुप ज्यादातर कैंटीन में बैठा रहता था और वहां रोज महंगी पार्टी होती थी। असेंबली से लेकर लंच तक असद का ग्रुप एक साथ रहता था। वो छोटी क्लास में था लेकिन बारहवीं के बच्चे भी उसके और उसके दोस्तों से बात करने से बचते थे। सेंट जोसेफ स्कूल में अतीक अहमद के पांचों बेटों ने पढ़ाई की। माफिया के बेटों का यहां भी रुतबा था। उनके दबंगई के किस्से स्कूल की कैंटीन से लेकर प्लेग्राउंड तक फैले हुए हैं। अतीक अहमद के बेटे असद पढ़ाई में बेहद ज्यादा कमजोर था और यही वजह थी कि दसवीं के बाद वो यहां से टीसी कटाकर चला गया। बाकी बच्चे पढ़ाई में एवरेज थे लेकिन असद और अली के बारे में कहा जाता है कि जब वो छोटी क्लास में थे तब उनका ग्रुप कैंटीन में पार्टियां किया करता था। अलग अलग चीजों पर शर्तें लगाई जाती थी लेकिन पैसा असद ही खर्च किया करता था क्योंकि उसके पास बेहद ज्यादा पैसा रहा करता था। वो अपने ग्रुप का लीडर हुआ करता था। छोटी क्लास में होने के बावजूद भी टेंथ और ट्वेल्थ जैसी क्लास के जो बच्चे थे वो भी उसके संपर्क में आने से घबराते थे क्योंकि वो अतीक अहमद का बेटा था और अतीक अहमद के रुतबे का रसूख का वो स्कूल के अंदर भी फायदा उठाया करता था। कैंटीन हो या प्लेग्राउंड, कई बार झगड़ों की बात भी सामने आई और उस पूरे मामले में जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनका कहना है कि अतीक अहमद के सभी बच्चे अपनी माँ शाइस्ता परवीन से बेहद ज्यादा डरा करते थे। एक बार स्कूल में जब लड़ाई झगड़ा किया तब शाइस्ता परवीन को स्कूल में बुलाया गया था जहां पर उसने 15 मिनट में ही स्कूल पहुंच गई और अपने बच्चों को डांट भी लगाई लेकिन माँ के जाने के बाद फिर से बच्चों का स्कूल के अंदर वही हाल हो जाता था। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ रुमानुल्लाह खान।